नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। किसान, किसान और किसान, सड़क से लेकर सदन तक एक ही मुद्दा। लोकसभा से लेकर विधानसभा में भी किसानों की आत्महत्या पर बहस सभी पार्टियों को किसान की चिंता है ऐसा जाहिर करती है, लेकिन फिर भी किसान आत्महत्या को मजबूर। ऐसा क्यों? हर साल किसान मौसम की मार झेलता है और सरकारें मुआवजे का ऐलान करती हैं। एक किसान की मौत केवल उसे ही नहीं मारती, उसके साथ मरता है तो उसका पूरा परिवार और मानसिक रूप से टूट जाता है पूरा गांव। बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अब आगे क्या होगा, इसकी चिंता उन्हें भी सताती है और यही कारण बनता है एक बड़े आंदोलन का। लेकिन अगर समय रहते आश्वासन की जगह इस पर ईमानदारी से ठोस काम किया जाए तो आज हमारा किसान भी दुनिया के दूसरे किसानों की तरह आश्वस्त और आत्मनिर्भर होता। सरकारों ने चिंता तो जताई, लेकिन अभी तक पर्याप्त काम क्यों नहीं हुए, ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष सशक्ति आस। जैसे आपकी बेटी है वैसे मैं भी आपकी बेटी हूँ। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मेरे पापा किसान हैं, वो मर तो नहीं जाएंगे? हे भगवान, इस बार फसल अच्छी दे देना, नहीं तो मेरे पापा। और घर की बिटिया कुछ सहम जाती है। कहते हैं लोग मरकर तारे बन जाते हैं, क्या मेरे पापा भी कुछ इसी तरह के विचार आपके बच्चों के दिमाग में तो नहीं पल रहे? देश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में जो आंकड़े आ रहे हैं वह चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों पर बात करें इससे पहले चलिए देखते हैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। Thank you.
देखा आपने, किसान जब मरता है तो उसके साथ पूरा परिवार भी मर जाता है। किसान को कई बार परीक्षा देनी पड़ती है। पहली परीक्षा खेत की पहली जुताई से शुरू हो जाती है, जो फसल की मंडी में पहुंचने तक चलती रहती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार किसानों की आत्महत्या के नवीनतम आंकड़े बताते हैं, 2015 में देश में 3000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की थी। वहीं 19 अगस्त 2016 में एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताते हैं, 2014 की तुलना में 2015 में 41.7% की बढ़ोतरी हुई। NCERB डाटा के अनुसार 2015 में 8007 आत्महत्या की घटनाएं हुई, जो 2014 में 5650 थी। अन्य राज्यों की सूची में महाराष्ट्र में 3030, तेलंगाना में 1358, कर्नाटक में 1197, छत्तीसगढ़ में 854 और मध्य प्रदेश में 516 आत्महत्याएं हुई। ये आंकड़े पुराने हैं। अगर मध्य प्रदेश में सिर्फ पिछले एक महीने की बात करें तो प्रदेश के 24 किसानों ने कर्ज के चलते खुदकुशी कर ली। लोकसभा हो या राज्यसभा या फिर हो प्रदेश की विधानसभाएं, सभी जगह बस किसानों की आत्महत्याओं का मुद्दा गर्मा रहा है। किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़े लगातार साल दर साल बढ़ रहे हैं। किसानों की मांग को लेकर आंदोलन हुए, मध्य प्रदेश में आंदोलन के दौरान फायरिंग हुई, 6 किसानों की मौत हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। कई राजनीतिक दल किसान आंदोलन के समर्थन में आए, विपक्ष को मुद्दा मिला लेकिन किसान को कुछ नहीं। मौसम की तरह सरकारें आती जाती रहीं लेकिन किसानों की बर्बादी और आत्महत्या का सिलसिला जारी है। हर साल किसान मौसम की मार झेलता है लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की जिससे किसानों की आत्महत्या का सिलसिला बंद हो और उसे सीधा लाभ मिल सके। जैसे आपकी बेटी है वैसे मैं भी आपकी बेटी हूँ। तो देखा आपने, ये एक डॉक्यूमेंट्री थी, एक बेटी के मन का ऊहापोह, उसकी आशंका, अपने पिता को खोने का एक डर, और जो वो किसी भी चीज़ किसी भी हाल में खुश नहीं हो पा रहे थे, न मौसम का आनंद ले पा रही थी, न पढ़ने जा पा रही थी, न सो पा रही थी, बार बार उसे वही डरावने ख्याल आते थे कि कहीं पापा फांसी पर न झूल जाए। पापा की निगरानी करती थी वो लगातार, और उसके मन में जो डर था वो बढ़ता ही जा रहा था। तो यही है हर किसान के परिवार की अंदर। ये तो एक नाट्य रूपांतरण है किसी चीज़ का, लेकिन इसे देखकर इसे सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर ये हकीकत हो तो कैसी, और किसानों के बहुत ढेर सारे परिवारों की यही हकीकत है। इसी तरह से मंगलवार को बहुत ढेर सारे परिवार एकत्रित हुए, और वो बच्चे एकत्रित हुए, उन्होंने पूरे देश भर के किसानों से अपील की, सरकार से भी अपील की कि किसानों के कर्ज माफ करें, खेती को लाभ का धंधा बनाएं, और उन किसानों से भी अपील की कि आपके पीछे पूरा परिवार है, हम जैसे हालात उनके ना हो। बच्चे थे, वो अपील करते रहे कि हमारे जैसे हालात किसी और घर के ना हो। महाराष्ट्र में एक अनाथालय ऐसा है जहाँ 350 किसानों के बच्चे अपनों को खोने के बाद रह रहे, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना भयावह है। किसान ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उसे अपनी ज़िंदगी खोने या अपनी ज़िंदगी को दांव लगाने की नौबत आ गई। राजनीतिक आश्वासनों का बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन किसानों की मौत की फहरिस्त जो है वो रोज़ लिखी जा रही है, रोज़ उसमें नाम बढ़ते हैं, और जवाबदेही ये कोई नहीं लेता। सभी कहते हैं कि लगातार वो कर रहे हैं
अच्छे से अच्छी योजना ला रहे हैं, लेकिन किसान है कि वो फिर क्यों निराश है, क्यों इतना हताश है कि ये नौबत आती है। इसी विषय बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हिदायतुल्लाह शेख, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता दुर्गेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक, वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव और रमाकांत मीणा, जो एक किसान नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रमाकांत जी, मुद्दा आपका है, चर्चा भी पूरे सड़क से सदन तक हर तरफ आपकी ही हो रही है, तो शुरुआत भी आपसे ही करते हैं। ये जो हालात हैं, क्या उम्मीद करते हैं अब आप? सरकारें आश्वासन बहुत देती हैं, विपक्ष आपके लिए आंदोलन भी करता है, लंबे समय से एक आंदोलन चल भी रहा है, कभी हिंसक भी हो जाता है वो आंदोलन, लेकिन अब आप क्या उम्मीद करते हैं? मेरा कहना तो मात्र सरकारों से अब इतना है कि सरकारों को किसानों की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि समय राजनीति का नहीं बचा है। अगर विपक्ष भी किसानों के हित में कुछ करना चाह रहा है, आंदोलन करता है, तो उनके लिए धन्यवाद है। जो स्थिति पिछले महीने बनी है किसानों की आत्महत्या की, कहीं ना कहीं उसके दोषी सरकार को इसका स्वीकार करना चाहिए दोष, क्योंकि उन जब से देश आज़ाद हुआ है उसी दिन से, 15 अगस्त के दिन से, किसान और मजदूर ग्रामीण क्षेत्र का जो है वो गुलाम हो गया है। इस देश की राजनीति ने इस देश के किसानों को और मजदूरों को पूर्ण रूप से लूटा है। लूटने के अलावा किसी ने किसानों के बारे में नहीं सोचा है। आज जिस प्रकार से किसान आत्महत्याएं कर रहा है, हम तो उनको मना करते हैं कि भैया किसी भी कीमत में लड़ाई लड़ना सीखें, आत्महत्या करना कायरता का काम है और इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए। ये हमारी किसानों को हिदायत भी है, 24 घंटे उन्हीं की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान के दिल में ये आज जो सरकारों के प्रति थी वो टूटती दिखाई दे रही है, टूट रही है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। 1 महीने हो गया है अभी तक लोगों की मूंग की तुलाई के, आज दिनांक तक किसानों को उसकी राशि नहीं मिल पा रही है। मार्केट अभी तक उसकी परचेसर उसकी न्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं कि ये हमारे यहाँ इतना माल किसानों का आ गया है। आज 1 महीने में, जबकि CM साहब बोल रहे थे 24 घंटे के अंदर हम पेमेंट किसानों का करेंगे, भुगतान करेंगे, आज तक नहीं आए। किस प्रकार से कोई से भी देश में, कोई से भी प्रदेश में जाकर देख लो, पूरे भारत के किसान की स्थिति इस समय गड़बड़ है और मनोदशा किसान की गड़बड़ हो रही है। मंत्रियों के बार बार बयान अगर आते हैं, किसानों के प्रति सहानुभूति वाले बयान नहीं आते बल्कि उल्टे बयान आते हैं। तो इस प्रकार से सरकारों पर से किसानों का भरोसा पूरा उठता जा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दल को किसानों की सहानुभूति रखनी पड़ेगी, किसानों के हित में काम करना पड़ेगा, तत्काल कोई निर्णय किसानों को लेना पड़ेगा। जिस प्रकार के मुद्दों को हम लेकर चल रहे हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ निरंतर ये मुद्दा लेकर चल रहा है कि किसान को ऋण मुक्त किया जाए, किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। तो लाभकारी मूल्य मिलना सरकार के लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती है, उसके लिए समय लग सकता है, लेकिन तात्कालिक जो परिस्थितियाँ हैं उसमें सुधार करने की हम निरंतर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, निरंतर सरकार को अवगत करा रहे हैं कि आप ये तत्कालिक मुद्दे हैं इनको तत्काल समाप्त करें, किसान को सहयोग करें, किसान का पैसा समय पर डालें, किसान को सब्सिडी जो डीजल पे पेट्रोल पे जो भी आपको करना है वो तत्काल कोई निर्णय करें, जिससे कि किसान को धीरज मिले, मजदूर वर्ग को धीरज मिले, किसान को लाभकारी मूल्य मिले। इसकी लड़ाई निरंतर रहेगी, चलती रहेगी और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज भी हमारी किसान अधिकार यात्रा आदरणीय कक्का जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष जी भी उस यात्रा में चल रहे हैं और निरंतर वो चल रही है। मजदूरों के लिए भी कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलनी चाहिए, ये हमारी उसमें मांग है। किसान मजदूर अधिकार यात्रा जो निकल रही है और किसान को लाभकारी मूल्य और ऋण मुक्ति के लिए हम कर रहे हैं। वर्तमान में सरकार को कठोर से कठोर निर्णय लेना चाहिए और किसानों के हित में जो अच्छा हो सके, राजनीतिज्ञ निर्णय ना हो, किसान के हित में निर्णय हो और स्पष्ट निर्णय हो। पूरे मध्य प्रदेश की अगर आप बात कहें कि 24 किसानों ने अगर पिछले माह आत्महत्या की है, तो कठोर निर्णय सरकार को तत्काल में लेने पड़ेंगे। रमाकांत मीणा, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। जी जी
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिए हैं, कई चीज़ें की हैं, प्याज भी खरीदी गई है, मूंग भी खरीदने की बात हुई है, उड़द भी खरीदने की बात हुई है और उसका समर्थन मूल्य भी जारी किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो किसान से कम कीमत में अगर उसका उत्पाद खरीदने की कोशिश करेगा उसके ऊपर आपराधिक मामला भी दर्ज होगा, सूदखोरों पर भी सख्ती की बात है। इन सब के बीच क्या क्या चीज़ें धरातल पर आ गई हैं, क्या किन किन चीज़ों पर अमल शुरू हो गया? मूंग की खरीदी हुई है, प्याज की खरीदी हुई है, उड़द की खरीदी हुई है, अभी तुअर किसानों की रखी है, तुअर की खरीदी के लिए इन लोगों ने चालू नहीं की है। तुअर की खरीदी भी इनको तत्काल चालू करनी चाहिए, किसानों के पास आज भी बहुत ज़्यादा तुअर रखी है, किसानों को इस टाइम पे पैसों की आवश्यकता होती है। आज किसानों के लिए एक एक रुपया बहुत कीमत रखता है और जब किसानों का लाखों रुपया सरकार के पास फंसा है, जिस प्रकार से अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि मूंग की 15 तारीख से लेकर आज तक, 15 जून से लेकर 15 जुलाई, आज 18 जुलाई हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई पेमेंट किसानों के खाते में नहीं आया। मुश्किल से किसी एक एक 14 लाख 15 लाख रुपए एक एक सोसाइटियों में दिया है, उससे कुछ नहीं होना, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उसी प्रकार से तुअर की खरीदी भी अभी सरकार को कर देनी चाहिए चालू, क्योंकि आने वाले समय में अभी एक दो दिन में ही आप तुअर को लेकर देखना बहुत भारी संकट आने वाला मध्य प्रदेश में। दूसरा, प्याज की भी अगर इन्होंने खरीदी की है तो किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंच रहा है, पैसा तत्काल किसान को, मैंने बोला ना कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, तत्काल किसान के खाते में पैसा पहुंचाना पड़ेगा। अगर 4-5 रोज के अंदर पैसा नहीं पहुंचा तो ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी, ये पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति। बिल्कुल, दुर्गेश शर्मा, आज मध्य प्रदेश सरकार बातें तो बहुत कर रही है, आज तो सदन में चर्चा भी बहुत हुई है, बहुत चर्चाएं हुई जी, और चर्चाओं में बातें पूरी करी गई, पर ईमानदारी यह है कि उनमें से कोई भी चीज धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। जैसा अभी किसान संगठन से जुड़े हमारे साथी कह रहे हैं कि किसानों के पास ना उसका पैसा नहीं पहुंच रहा। पहले तो सरकार ने कह दिया कि आधा हम आपको नगद देंगे, आधा आपको जीएसटी के थ्रू देंगे, किसी के खाते में एक पैसा नहीं पहुंच रहा है। किसान आज यदि पैसा नहीं है तो कहां से आप कैशलेस की बात कर रहे थे ना, शायद जीएसटी कह गए आप, आदरणीय जीएसटी में कैशलेस वाला ये मुद्दा माननीय मोदी जी ने अभी प्रारंभ किया और कैशलेस के नाम पे पूरे देश के अंदर एक भ्रम का वातावरण यूं पैदा हो गया कि कैशलेस की बातें एक तरफ वो खुद करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं से जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे रेलवे की एक IRCTC है, वो ये कहती है कि आप टिकट बुक करो, नगद पैसे हम आपके घर से आके ले लेंगे। ये सरकारी जो मिशनरी है या सरकारी जो वर्किंग है वो दिखाई देती है। आप दूसरी तरफ किसानों को कहते हो कि हम आपका पैसा खाते में जमा पहुँचा देंगे, पहुँचाने की बात तो कर रहे हैं, उसको कागज़ पे लिख के भी दे देंगे कि आपका इतना पैसा है, पर उसके खाते में पैसा पहुंच नहीं रहा, क्योंकि जिनको पैसा पहुंचाना है उनके पास ही पैसा नहीं है। असल में जब से देश में नोटबंदी हुई है तब से आर्थिक हालात पूरे डिस्टर्ब हैं, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा आज प्रदेश के किसान भी भोग रहे हैं, पूरे देश के किसान भोग रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर करीबन 65 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं जो जिनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार उद्योगपतियों के प्रति तो अपने समर्पण भाव से काम कर रही है, उद्योगपतियों का देश में कर्जा भी माफ हुआ है, पर प्रदेश की या देश की कोई भी किसानों का कर्जा माफ करने के लिए सरकारें अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रही। मुझे तो ये मानना है कि मोदी जी को आगे आना चाहिए और देश के जो किसान हैं उनका पूरा संपूर्ण कर्जा एक बार और माफ़ करना चाहिए, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी ने किया था, क्योंकि पिछले लगातार कई वर्षों से कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि और कभी पाला जैसी समस्याओं से किसान बर्बाद हुआ है, किसान की फसलें बर्बाद हुई हैं और फिर किसान को उसके बाद में जो आर्थिक सहायता मिलना चाहिए था वो नहीं मिली, किसान का जो बीमा का पैसा था वो इतना नगण्य मिला है उनको, वो भी उसके अंदर ऐसी विरोधाभासी स्थिति है कि वो यदि किसान जिस क्षेत्र में टमाटर पैदा करता है वहाँ पर कपास का बीमा का पैसे की बात कर दी और जहाँ कपास पैदा करता है वहाँ पर प्याज का खेती का हिसाब बना दिया, तो किसानों को वो भी पैसा नहीं मिल रहा, तो बहुत ज़्यादा विषम स्थिति है और किसानों के लिए इस वक्त सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। आज CM शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर बातें बहुत सारी करी, पर किसानों के लिए जो ठोस कदम होना चाहिए उसमें से एक भी ना चर्चा करी ना बोला। ये जरूर बोला कि हाँ हम किसानों के बारे में बहुत संवेदनशील हैं, पर उनकी संवेदनशीलता एक घंटे पूरे विपक्ष के जो जितने ढेर सारे विपक्ष ने कहा अपनी चर्चा में कहा था, भाई सारी एक घंटे मुख्यमंत्री ने
वो मुख्यमंत्री जी को तो एक घंटे तो उनके लिए थोड़ा सा कम समय था, वो तो यदि बुलवाना चाहें तो पूरे एक या दो दिन तक लगातार बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें इसी में महारत हासिल कर रखी है, कैसे बोल के भ्रम पैदा करो, लोगों को अपनी बातों में उलझा के और आगे बढ़ जाओ, पर धरातल पे कुछ नहीं करना, ये उनकी शैली है और उस शैली में वो बखूबी पूरी तरह से उतरते हैं और वो काम वो करते हैं। क्या कहेंगे हिदायतुल्ला? दुर्गा जी का तो अपना पढ़ाया पाठ है और हर बार वो यही चलता है, मतलब मुद्दा कुछ भी हो, ये लोग अगर नोटबंदी इन्होंने एक दो मुद्दे और छोड़ दिए, नहीं तो इनको तय कर रखा है पार्टी ने कि ये सब बोलना कैमरा जैसे चल, बता तो दीजिए आप भी तो बता दीजिए साहब, की बात कर रमाकांत मीणा ने बहुत सवाल की जो बात है वो बातें सही और उसी बातों का जवाब होना चाहिए। ये बात भी रमाकांत जी बैठे, ये बात रमाकांत जी मानेंगे, जब से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई है उस समय को लेकर किसानों को लेकर सुविधा की स्थिति क्या थी और वो स्थिति आज क्या है, जो किसानों को लेकर बड़ी चीज, जो किसानों की बड़ी जरूरत की बात होती थी वो होती थी रमाकांत जी सिंचाई की, सिंचाई के मामले में पहले हम किस जगह पे खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं, आज बिजली के मामले में पहले हम किस जगह पे खड़े थे, फीडर सेपरेशन करके हमने वो बिजली देने का काम किया, आज रमाकांत जी इस बात को मानेंगे कि आज जो मूल समस्या है, जो बड़ी समस्या है किसानों की, वो उत्पादन अधिक होना, उत्पादन का लागत मूल्य मिलना, क्या ये उत्पादन उस टाइम हुआ करता था? 17 ऐसी जिनसे हैं, दाल है, तलन है, लहसुन है, गेहूँ है, ऐसी बहुत सारी 17 जिनसे हैं जिनके मामले में हम देश में पहले नंबर पे, जो हम कभी हुआ नहीं करते थे आज से जब पूर्ववर्ती सरकारों के समय, तो आज एक चीज़ है और उसके लिए काम किया जा रहा है। जब प्याज को लेकर ज़्यादा उत्पादन वाली बात हुई तो प्याज को खरीदा 6 रुपये से ज़्यादा 8 रुपये तक, 8 रुपये तक किसान के लिए क्या प्याज की कीमत होती है ये रमाकांत जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे को बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ ना कोई कपास प्याज बोता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ, तो ये सारी सुविधाएं देने का काम करा। अब मूल्य अगर करा है वो आज की जरूरत की बात कर रहे हैं, नहीं आज ही की जरूरत की बात वो कह रहे हैं कि आपने खरीद लिया जी, एक तो समय पे खरीदा नहीं, बहुत सी चीजें आप समय पे अभी भी नहीं खरीद रहे हैं, आपने खरीद लिया अब आपने सोसाइटियों को पैसे ही नहीं दिए, पैसे भी उनके नहीं आ रहे हैं। सोसाइटी में एक और बात रिजवान भाई, सोसाइटी को एक भी रुपया किसी सोसाइटी में नहीं दिया, ये बात सत्य नहीं है, ये बात इन्होंने भी बोली, लेकिन किसी सोसाइटी के मुंह में जीरा है कह रहे हैं, लूट के मुंह में जीरा भी नहीं है, लेकिन ठीक है जो पैसा खरीदा है उसका पूरा पैसा मिलेगा, अब उत्पादन कब मिलेगा साहब, बुआई का समय अभी उनको अभी खाद चाहिए है, बहुत ढेर सारी चीजें चाहिए, सारी चीजें मिलेंगी उसमें कहीं बता जाइएगा, अरे मेरी बात आप जानी, उत्पादन बड़ा है ना जी, उत्पादन बड़ा है ये समस्या है, उत्पादन तो ठीक है, खरीदारी तो अपनी जगह है, बात बड़ी ये ओला पाला वाली समस्या अभी यहाँ पर नहीं आ रही है, यहाँ पर अभी सिंचाई को लेकर समस्या नहीं आ रही है, नहीं तो पहले इतनी परेशानी होती थी सिंचाई को लेकर, किसी एरिया में पानी नहीं गिरा, अब जहां जहां तक है निमार तक का वो पूरा एरिया जो हमारा सूखा हुआ करता था, गाँव गाँव तक अब नहरें पहुंच गई, तो अब वो परेशानी वाली बात नहीं है, बात अगर कुछ आ रही है तो उत्पादन अधिक है और उसका कहीं ना कहीं मार्केट की जो प्राइस है उसको लेकर बातचीत है, हम मूल्य के स्तरीकरण कोष की तरफ भी बढ़ रहे, पहले हमारी प्राथमिकता थी कि जो धरातल पर किसानों को लेकर पूरी आधारभूत जो समस्या है उनका निराकरण करना, जिसके अंदर बिजली थी, पानी थी, खाद को लेकर, क्या रमाकांत जी इस बात को नहीं मानेंगे कि लठ चले कांग्रेस सरकारों के समय, सर फूटे, उस समय भी एक दूसरे को मारा गया है, सिर्फ खाद को लेकर बोरिया लेकर लोग सहकारी समिति से भारते थे, आप ऐसी कोई सहकारी समिति ऐसी कोई जगह अभी आपकी ही पिछली सरकार में पता नहीं नाना क्या क्या हुआ है इस खाद, नहीं नहीं पूरा खाद हर जगह लेकर आपकी ही पिछली सरकारों में पता नहीं क्या क्या हुआ है, नहीं 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 कहीं कुछ नहीं हुआ खाद को लेकर, नहीं हुआ नहीं खाद को लेकर कहीं कुछ नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो असहयोग रहा उसके कारण परेशानी हुई होगी, अभी मुझे बता दे कि कहीं कोई परेशानी हुई खाद को लेकर, इस बात की बात कर ले, सिंचाई के साधन बढ़ाए हैं हमने, बीज उपलब्ध करवाए, सारी चीजों में हम आगे बैठे, हाँ अगर आज उसको अपना उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा उसके लिए आयोग भी गठन कर रहे हैं, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का कोष भी गठन कर रहे हैं और इससे ज्यादा और जो करना रहेगा किसानों की मांग के लिए वो करेंगे, लेकिन किसानों के ऊपर कोई राजनीति नहीं करें, ये वो लोग बात कर रहे हैं, ये आज बात उठा लेते हैं कि गोली चलवा दी, अरे कहां थे जब मुल्ताई के अंदर आपने 24 किसानों को मार दिया गया, क्या मांगा था मुल्ताई के अंदर मुआवजा, रमाकांत जी बैठे हुए मुल्ताई के अंदर 1 एकड़ में 5,000 रुपए का मुआवजा मांग लिया गया था, जब गेरुआ रोग लगा हुआ था 20,000 का किसान जब तहसील कार्यालय के सामने बैठे हुए थे उनपे आपने बर्बरता पूर्वक गोली चलाई, उस टाइम के न्यूज पेपर उठा के देखिए उसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया, जनता ने बाहर कर दिया, 15 साल हो रहे हैं आपको,
किसान शांति अपनी जवाब अपनी बातों का जवाब देना होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ ना, ये वो लोग बातें कर रहे जरा उनको, उस समय भी स्थगन आया था विधानसभा में, उस समय कांग्रेस के कितने नेता खड़े होकर क्या बोल रहे थे, उस समय की भी बात निकाल ली जाए, रिकॉर्ड निकाल लिया जाए कि कितने नेता क्या बोल रहे थे उस समय, क्या दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे। अब तो वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान के अंदर न्यायिक जांच आयोग बैठा है और आज देखिए विधानसभा में कल की क्या स्थिति हो रही थी, है ना। गृह मंत्री जी ने एक अपना वक्तव्य दिया कि शायद आप भी हो, गृह की किसी एक विधायक ने सब्जियां खरीद के लुटाई, शैलेंद्र पटेल खड़े हो गए, मेरा नाम आया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। गृह मंत्री जी ने नाम नहीं बोला, ये तो बोलते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद ही घबरा कर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। जीतू पटवारी खड़े हो गए कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे भैया, इस्तीफा नहीं जनता ही घर बिठाएगी आपको। जिस ढंग का आपने प्रोपेगेंडा रचा है, जो आपने किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होकर, और उस टाइम में भी एक रिपोर्ट रमाकांत मीणा की बातों का जवाब नहीं दे रहे। नहीं नहीं, मैं एक बात आज भी कर रहा हूँ, उस टाइम की भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस टाइम भी न्यायिक जांच आयोग में जिसमें किसानों ने बयान दिए कि हमारे मुलताई के शांतिपूर्ण आंदोलन में कांग्रेस के लोग शामिल हुए और उन्होंने पहले बसें चलाई और उन्होंने उपद्रव कराया जिसके कारण ये सब स्थिति बनी, और वही स्थिति अभी भी निकलने वाली है। उस समय इनकी सरकार रहते हुए ये चीजें तथ्य सामने आए कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को भड़काया, इनकी आपसी चीजें, एक आदमी इनके यहाँ पर पॉलिटिकल टूरिज्म करने आ जाते और पूरा आंदोलन खत्म नहीं होता, किसानों की मांगे मानी नहीं जाती, ये लोग कुछ नहीं होगी। लेकिन एक और बात, और ये बोलते कि अच्छा भाषण दे लेते, अच्छी बात कर लेते, अच्छा काम करते हैं दुर्गेश जी, इसलिए इतने ढेर सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। नहीं देखिए, उनके प्रति चिंता फिक्र करनी पड़ेगी हमें, नहीं उनके प्रति पूरी संवेदना है, उनके लिए पूरा जितना हो रहा है करना भी तो पड़ेगा कि आप ऐसी नौबत ना आए। देखिए एक और बात, एक बहुत खुली चीज बोली गई जो अभी कई जगह से लेकर सामने आ रही थी, साहूकारों को भी लेकर बात आ रही थी, साहूकारों को लेकर खुद मुख्यमंत्री जी बार बार वक्तव्य दे चुके हैं, किसी साहूकार ने पैसा दिया है आपको, आपसे ब्याज दे रहे हैं, अरे आप कोई उसमें कोई आप नियम बनाने वाले थे, उसमें कोई कार्रवाई करने वाले थे, लेकिन नहीं किया। अभी भी जो उतना है उतना पर्याप्त है, किसी के पास अगर कोई ब्याज देने का या साहूकारी करने का लाइसेंस नहीं है कोई आरबीआई से, तो वो नहीं कर सकता, लेकिन उसके सामने किसान भाइयों को भी आगे आना चाहिए। एक तो यह तथ्य नहीं रिजवान भाई, एक दूसरा बहुत बड़ा तथ्य है, क्योंकि किसानों को लेकर मेरा एक ऐसा मानना है कि राजनीति और सारी सब चीजें अपनी जगह चलती रहेगी, मनोवैज्ञानिक रूप से भी कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाना चाहिए, उसमें किसान संगठन भी आना चाहिए, सरकार भी इसमें करे। बिल्कुल, आपने आनंद विभाग, आपने आनंद विभाग शुरू किया, कुछ कीजिए उसमें। चले हिदायत, फिर मैं एक बार फिर लौटूंगा, आप कुछ बातें हमारे पत्रकार साथियों से भी समझ लें। संजय श्रीवास्तव, आज आपने सुनी कार्रवाई क्या सदन की? निश्चित तौर पर मैं था वहां पर, मैंने देखा कार्रवाई, जैसी उम्मीद थी उस तरीके की ना तो चर्चा बहुत गंभीरता के साथ में हो पाई, ना ही सरकार की ओर से जो जवाब आया वो बहुत जैसी उम्मीद की जा रही थी, कुछ घोषणाएं होंगी वो भी नहीं हो पाई। कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लगातार प्रतिपक्ष ने अपनी बातें कही, वो उसमें जो चीज़ें उन्होंने उठाने चाहिए वो उठाई, लेकिन हाँ सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आए तो उन्होंने वही जो भी हिदायतुल्ला जी मुलतई गोलीकांड की बात कर रहे थे, या जो पुराने आंकड़े, उन पुराने आंकड़ों को मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया कि पहले कितनी आत्महत्या हुई थी, क्या स्थितियाँ थी, तो मुझे लगता है कि इसे छोड़कर जो आज वास्तविक स्थिति है, जो अभी रमाकांत जी, सब कुछ अच्छा है तो फिर ये हो क्यों रहा है, सवाल सबसे बड़ा बस यही। निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा नहीं है रिजवान जी, अच्छा होता तो ऐसी स्थितियाँ पैदा नहीं होती। किसान को वास्तव में आवश्यकता है कि उसके आंसू पोछे जाएँ, सरकार की अपनी कठिनाइयां हैं इस समय, पूरे देश में जितने भी राज्य हैं लगभग हर राज्य में उनकी आर्थिक तौर पर अपनी अपनी कठिनाई है, केंद्र हाथ खड़े कर चुका है, केंद्र की सरकार ने जब एनडीए चुनाव में मैदान में उतरी तब उन्होंने घोषणा की थी कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, लेकिन आज उससे वो आप मुकर गए, हालात है मुकर से गए, उन्होंने कह दिया कि अब राज्य सरकार चाहे तो अपने संसाधनों से करें। तो आज जो हालात है वो हालात तत्कालिक जो स्थिति है उनको जो पहुंचाई जाती है, उसमें एक मैं देखता हूं कि प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है, चाहे वो खाद का मामला हो या अन्य मामले हो, लगातार घोषणाएं होती हैं, यहां से इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहीं लगता है कि वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा, और यही एक वजह है कि लगातार जिस तरीके से आत्महत्याओं की घटनाओं की लगातार सूचना आ रही, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, खाद है, बीज है, जो अभी कह रहे थे रमाकांत जी की जो उनका भुगतान है, निश्चित तौर पर भुगतान की बहुत सख्त आवश्यकता है किसानों को, बुआई बिल्कुल सर पे है, पानी कई जगहों पर गिरा है, कई जगहों पर गिरने की स्थिति में अगर उसको समय पर हो जाएगा तो आने वाली फसल में कुछ उसके हालत सुधर जाएंगे, तो अभी जो कुछ हो सकता है बहुत कम वक्त है उसमें नहीं कर पाए तो हालात और बेकाबू होंगे, बिगड़ेंगे, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, किसानों की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने अचानक एक ऐसी घोषणा कर दी,
हम सब चर्चा में बैठे थे, हमें लगा कि शायद मुख्यमंत्री हो सकता है कर्ज माफी पर कोई बातचीत करें, लेकिन अचानक जय किसान से पहले जय जवान हो गया और एक एक करोड़ रुपए की वहाँ उसका भी ऐलान हो गया और कुछ समझ में ही नहीं आया कि विषय किस पर बातचीत हो रही थी और मुख्यमंत्री ने एक ऐसी घोषणा की। ऐसे इसकी सराहना की जानी चाहिए कि अब आपने मंदसौर के किसानों को एक करोड़ रुपए दिया है, तो अब आप जो भी मध्य प्रदेश का सैनिक जो है वो अब शहीद होगा तो उसको भी एक करोड़ रुपए मिलेगा। लेकिन क्या लगता है इस तरह की हम सुनने कुछ चाहते थे, बैठे कुछ थे, प्रदेश की जनता कुछ और सुनना चाहती थी, हमने कहा उनके अलावा भी और कुछ, क्या कहेंगे संजीव श्रीवास्तव? नहीं, बेशक मुद्दा किसान था, किसानों उम्मीद दो दिन से यही हो रही थी, 8 घंटे की चर्चा हुई है, मैराथन चर्चा है, स्थगनों पर बहुत दिन बाद इतनी लंबी चर्चा सदन में देखने को मिली, दो दिन तक लगातार दो दिन तक चर्चा हुई, स्थगन पर इतनी लंबी चर्चाएं नहीं होती हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर जरूर चल रहा था, किसानों को भी बहुत उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसी चीजें निकल कर आएंगी कि, और एक चीज और भी मैंने रिजवान भाई देखी कि हम जो दो दिन से चर्चाएं सुन रहे थे, सत्ता पक्ष की अपनी मजबूरी, उसका जो विधायक है उसका जो सदस्य है उसको सदन में अपनी बात सरकार के पक्ष में रखने के लिए, हम जब बाहर आते थे ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करते थे, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं उन्होंने ये माना कि हालात बहुत विकट हैं, अच्छे नहीं हैं और ये समय ऐसा है कि इसको संभालना होगा, और लगभग हर एक जो सत्तारूढ़ दल का विधायक था जिसने ऑफ द रिकॉर्ड बात की उसका यही कहना था कि प्रशासन से जो मदद होनी चाहिए, जो वहाँ जो अमला है, सरकारी जो तंत्र है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, यहाँ से घोषणाएं ठीक हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसे बढ़ाने की और आवश्यकता है रिजवान में, ये उन्होंने बिल्कुल दर्द भरे मन से कहा। बिल्कुल कुछ ऐप वगैरह भी मुख्यमंत्री ने किया है, उसको सराहना भी की जानी चाहिए, इसलिए कि वो एक ऐसे ऐप की घोषणा की है कि आप किसके हर खेत की जानकारी होगी उससे। लेकिन अब इतनी जिस तरह के हालात बन गए हैं, जिस तरह की नौबत आ गई है, उसके बीच में बहुत काफ़ी दिन बीत गए हैं, काफ़ी वक्त बीत गया है और स्थिति जो है वो चिंताजनक है, किसान आत्महत्या भी कर रहा है, गोलीकांड भी हो गया है और मुख्यमंत्री किसान के पुत्र हैं, ऐसे समय में जब इस तरह की चीज़ें सामने होती हैं तो चिंताएं भी बढ़ती हैं। पंकज पाठक जी, आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत कृषि को लेकर और किसानों के प्रकरणों को लेकर बहुत इस वक्त हमारे देश में और ख़ासकर हमारे प्रदेश में एक असाधारण और बहुत ही कहना चाहिए कि एक लोमहर्षक स्थिति निर्मित हो चुकी है। ऐसे समय में दो चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, एक तो जहाँ पर बहुत लोमहर्षक स्थिति बनी है, सबसे पहले वहाँ पर हमारी संवेदनाएँ हमारी वहाँ पर दिखनी चाहिए, एक चीज़, और दूसरी चीज़ हमको उसके पश्चात जो समस्या का जो मूल है उसकी तरफ जाना चाहिए। अब इस बहस में मोटे तौर पे जो बातें सामने आ रही थीं वो ये थी कि निचले स्तर पर जो काम करने वाला अमला है, जो मशीनरी है जो सरकार की, वो मशीनरी जब तक काम नहीं करेगी तब तक हमारा जो भी हमारी योजना है, हमारी जो मंशा है, हमारी जो नीति है, हमारी नियत है, हमारा जो जितना नैतिक पक्ष है, हमारा जो आर्थिक पक्ष है, वो सारा व्यर्थ होगा अगर हम निचले स्तर पर अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन को जो पीड़ित व्यक्ति है, जो हितग्राही है, वहाँ तक उसको नहीं पहुँचा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसके लिए दोषी कौन है? आत्महत्या करने वाला किसान, उसने आत्महत्या करके अपनी समस्या से स्वयं को छुटकारा पा लिया, तो या तो हम यहाँ ये मान के बैठ जाएं कि ये बीमारी से हुई है या ये किसी अफीम के कारण हुई है, पारिवारिक कारण, तो सवाल ये है कि क्या किसानों के परिवार में मरने के जितने भी दूसरे कारण होते हैं वो सब उनकी जो कृषि संबंधी जो विपदाएं होती हैं क्या उसी समय होते हैं? क्या उनको सारी बीमारियां जो हैं कृषि विपदाओं के समय उत्पन्न होती हैं? क्या उसी समय वो नशा करने लगते हैं जब वो कृषि की विपदाएं उत्पन्न हुई हैं? तो ये सब चीज़ों पे भी रोक लगाना बहुत आवश्यक है, और जब हमारे कर्णधार जब ये ऐसी बातें बोलते हैं तो ये बहुत दुखद है और
सबसे दुखद इससे बड़ा ये है कि जो कर्णधारों के ऊपर जो और कर्णधार बैठे हुए हैं वो इन सब पे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है समाज में कि शायद इस तरह की चीज़ें, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है, केंद्रीय स्तर पर भी हो रहा है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी इस तरह के बयान दिए हैं, गुजरात में भी ऐसे बयान आए हैं, बिहार में भी ऐसे आए हैं, और यूपी तो ऐसे बयानों के लिए बहुत ही चर्चित प्रदेश है। सरकारें कोई भी बदल जाए, यहाँ पे सरकार के झंडे और डंडे जो भी बदल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको ऐसा लगता है कि जब तक हमारी मंशा ही ठीक नहीं होगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति में ही परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक किसानों की आत्महत्याएं होती रहेंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देश में अब तक 47,000 से ज़्यादा आत्महत्याएं तो अभी हाल के वर्षों में टोटल हो चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये अगर हम बोलते हैं कि हम बहुत नैतिक हैं, हम विकास के प्रति चिंतित हैं और हम बहुत जो संवेदनशील हैं और हमको सिर्फ विकास के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, तो हमें वो चीज़ें भी दिखाई देना चाहिए जो हमें नज़र आ रही हैं, उनको हम स्वीकार देखना नहीं चाहते, तो हम देखना नहीं चाहते उसको। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हरित क्रांति कैसे आई थी, दुग्ध क्रांति कैसे आई थी, कोई अर्थव्यवस्था का उनके पास कोई एक फार्मूला था, उनके पास कोई एक सोच थी, दृष्टि थी, और उसको उन्होंने क्रियान्वित किया। एक ही व्यक्ति था वो, कृषि हरित क्रांति में भी एक ही व्यक्ति था और दुग्ध क्रांति में भी एक ही व्यक्ति था, और उसको हमारे राष्ट्र ने जो है वो सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। आज हम उन चीज़ों को परिवर्तन रूप में देखें तो देश में और प्रदेश में भी वैसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें सौंपी गई हैं, तो वो क्यों नहीं पूरी कर पा रहे हैं? उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके पास योजनाओं की, उनके पास धन की, उनके पास अमले की। बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या, आप कह रहे हैं नीति और नियत में तालमेल नहीं है, आप कुछ ऐसा कह रहे हैं? जी बिल्कुल। रमाकांत, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने सबकी बातें सुनी, सबकी चिंता आपके प्रति है, सबकी चिंता किसानों के प्रति है, उनके परिवारों के प्रति है और उनके उत्पाद के प्रति भी है, उनके काम के प्रति भी है, बताइए। मेरा कहना ये है इसमें, अभी जो प्रश्न जो उठाए थे उसके जवाब में अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी कहा था कि किसानों को इस समय सहानुभूति की ज़रूरत है, राजनीति की ज़रूरत नहीं है। 65 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, इस देश ने अगर प्रोक्लेन परीक्षण यहाँ पर हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर इस प्रकार का परीक्षण किया है तो इसके पीछे कोई उनकी ताकत नहीं थी, उसके पीछे मात्र ये किसान समाज थी ग्रामीण क्षेत्र की, जिसने इतना ज़्यादा भंडारण इस देश को दिया था कि 5 साल तक भी इस देश को अमेरिका कोई सहायता नहीं देता तो इस देश के किसान इस देश को पालने का काम करते हैं। आज वही स्थिति किसान के सामने संकट बनकर खड़ी हुई है। जिस प्रकार से हरित क्रांति की अगर बात कही जाए तो इस हरित क्रांति को सरकार ने लागू किया, लेकिन क्रियान्वयन में किसान ने इसमें मेहनत की है, किसान ने इस हरित क्रांति को आगे बढ़ाया है और इसको उस उतना उत्पादन की ओर ले गया। किसान से बड़ा वैज्ञानिक इनके पास आज भी नहीं है सरकार के पास, जितने किसान वैज्ञानिक आज किसान अपनी खेती को करता है उतना वैज्ञानिक रूप से इनके पास आज कोई भी ऐसा कागजों पर वैज्ञानिक नहीं है। परंतु अगर ये इस प्रकार की सोच किसानों के बारे में रखेंगे, किसानों के साथ इस प्रकार का भेदभाव करेंगे, मैं कहता हूं जिस प्रकार से 4 स्तंभ इस देश के माने जाते हैं उसी प्रकार से 5वां स्तंभ किसान को माना जाना चाहिए इस देश की आर्थिक नीति के लिए। इस देश के लिए किसानों को 5वां स्तंभ मानना चाहिए कि ये देश का अगर भरण पोषण कोई करता है तो वो निस्वार्थ भाव से किसान करता है। इतनी मार झेलने के बाद भी आज वो खेतों में धान लगवा रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है और आज भी उसके पास पैसा नहीं है, वो लेबरों के सामने खड़ा है। जब बाजार आता है और लेबरों को पेमेंट होती है तो किसान को सवेरे से पसीना आने लगता है, उसकी श्रीमती पूछती है कि आपकी तबीयत क्यों घबराई हुई है, अभी इन लोगों को ये नहीं पता किसान की आर्थिक स्थिति क्या है, तो वो बोलता है कि पागल आज बाजार है, आज मेरे को भुगतान करना है उन लेबरों का और मेरे को चिंता इस बात की नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को चिंता इस बात की है कि वो लेबर अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद कर लाएंगे जो 8 दिन तक उसके परिवार में खाने के लिए काम पड़ेगा, अगर मैं उसको पैसा नहीं दूंगा तो आज उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ये किसान को लेबर की चिंता होती है और इतनी बड़ी सरकार है उन पर राजनीति करती है, बड़े दर्द की बात है ये। इस बात को इन लोगों को समझना चाहिए, नेताओं को अपने व्यवहार में किसानों को लाना चाहिए और किसान बेचारा नहीं है। रमाकांत, आप कुछ मजदूरों की बात कर रहे थे। जी हाँ, मजदूरों की बात कर रहे थे आप अभी, इसके पहले भी है वो जो आपकी यात्रा है वही मजदूरों से संबंधित है। जी, इसके अलावा कुछ ऐसे किसान भी हैं
जो किसी दूसरे के खेत पर अधिया में किसी भागीदारी के साथ काम करते हैं, उनके अस्तित्व का क्या है, उनका कैसा अस्तित्व है? उनकी उनकी भी हालत खराब है, किसानों की। वो भी पैसा लगाते हैं, खेत खेत में पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम और धन दोनों लगाते हैं। श्रम और धन, उनकी धन और श्रम दोनों का लगता है। जो खेत में अधिया लगाते हैं, खेत मालिक का मात्र खेत रहता है, मेहनत पूरी और पैसा लागत पूरी। उनकी स्थिति क्या है, उनकी स्थिति? उनकी स्थिति भी बहुत खराब है, उनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है अगर मानी जाए तो, क्योंकि उनका पास तो जो धन रखा था वो उन्होंने वहां पे खर्च कर दिया है। और प्राकृतिक प्रकोप हो, प्राकृतिक प्रकोप किसान को सबसे ज्यादा करता है, और दूसरा प्रकोप राजनीतिक रहता है। जो दोनों प्रकोप तो किसान को खा रहे हैं इस समय, ये बात तो समझ रही है। राजनीति का आशय क्या है, राजनीतिक प्रकोप ये क्या है? राजनीतिक प्रकोप ये है, जिस प्रकार से नीतियां बना दी हैं कि हम किसान को 24 घंटे के अंदर भुगतान कर देंगे। अब आपने तो बाप भाई लूट लिए पूरे प्रदेश के किसान की, चलो हमको 24 घंटे में भुगतान होगा। आज 32 दिन हो गए, आज तक किसान को पैसा नहीं आया। अब बताइए 24 घंटे में और 32 दिन में कितना अंतर आ रहा। करनी और कथनी में अंतर लाना पड़ेगा इनको, इनकी करनी और कथनी में अंतर लाना पड़ेगा। किसान को अगर सहयोग करते हैं किसान के साथ, ये जो ऋण माफी की बात हो रही थी जी, कुछ तो प्रदेश सरकारों के बैंक हैं, कुछ बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, किससे किससे आप लोग ऋण लेते हैं, कैसे कैसे लेते हैं, और ये जो 0% ब्याज का की बात है, ये किन किन बैंकों में इसका लाभ मिलता है? भाई साहब, मेरा आपसे एक निवेदन ये है कि मेरे को इस मुद्दे पे थोड़ा बोलने का समय दिया जाए। जल्दी से बोलिएगा। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला छलावा है 0% ब्याज, उन परिवार को मात्र इसका लाभ मिलता है। मध्यम वर्ग के किसान और छोटे किसान को 0% का लाभ भी नहीं मिलता, ना 10% माइनस का लाभ मिलता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, किसान को कर्ज में गया, किसान ने बैंकों से या साहूकारों से या किसी से भी कर्ज लिया है, खाद व्यापारी हो, कीटनाशक पेस्टिसाइड वाला किसी से भी लिया है, तो उसने जो कर्ज लिया है उससे उसने खेत में लागत लगाई है, और जब अपने खेत में लागत लगाई है, पूरी लागत लगने के बाद अंतिम क्षण में फसल अगर उसकी पैदा नहीं हुई, उसने धोखा दे दिया, तो उसमें वो लाखों रुपए लगा चुका होता है। और अभी जिस प्रकार से बात आई थी, बीमा की राशि हो या अनुदान राशि हो या सेहत सहायता राशि हो, ये सारी राशियां तो छोटी छोटी सी होती हैं। किसान जो राशि लगाता है उसके बदले में कुछ नहीं होती ये राशियां। बीमा भी 1-1.5 साल 2 साल बाद उसको मिलता है, इतना बीमा की राशि उसको मिलती है, इतने से ज्यादा तो उसको ब्याज लग जाता है। ये जो साहूकारी ऋण है, ये किस किन परिस्थितियों में लेते हैं और कितना ब्याज देना पड़ सकता है इसमें? जब बैंक से ऋण लेकर किसान अपने खेत में लागत लगा देता है, और उसको लागत में ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं अगर थोड़ी सी और लागत थोड़ा सा और लगा लूं, मेरी फसल अच्छी होगी, परिवार में कोई वैवाहिक कार्यक्रम है, वो अपने घर में कितना प्रतिशत ब्याज लगता है आपको उसमें, कितना प्रतिशत ब्याज? वो ब्याज दर 3%, 2.5% रहता है साहूकारों का ब्याज, मासिक 2.5 रुपया सैकड़ा। मैं अगर परसेंट की बात कहूंगा, साहब को नहीं आया, 2.5 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा का ब्याज का पैसा लेकर वो आता है, और उस पैसे को वो लागत लगाता है, और वो ब्याज उसको 6 महीने के अंदर किसी भी कीमत में उसको वापस करना होता है। चलिए, ये जो पेस्टिसाइड है या बीज भी देने वाले हैं, इनको भी क्या ब्याज वगैरह देना पड़ता है? नहीं, उन लोगों को ब्याज तो देना पड़ता है, लेकिन पेस्टिसाइड या बीज की दुकान वाले अगर कही जाए तो ये तो बेचारे छोटे व्यापारी हैं, इनसे तो किसान का जो है मतलब आप उधार लेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ, हाँ, उनके बारे में किसान को देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने जो समय लिया, 2 मिनट का समय मुझे याद दीजिए, मीडिया वालों से मेरे एक निवेदन है कि इस बात को न ले जाए कि किसान कर्ज माफ की बात कर रहा है, क्योंकि माफी उस चीज की होती है जिसका कोई गुनाह होता है। किसान कह रहा है ऋण मुक्ति और पूरा दाम, ऋण मुक्ति चाहिए, सरकार की गलत नीतियों के कारण हम पे कर्ज हुआ है। बिल्कुल रमाकांत, बिल्कुल आपकी भावना हम समझ सकते हैं जी। ये कर्ज माफी शब्द हटना चाहिए मीडिया से, ये मेरा निवेदन, धन्यवाद। दुर्गेश शर्मा, जल्दी से अपनी बात कहिएगा, ये नीतियां कोई आज की नहीं है, नीतियां तो बरसों पुरानी है, कहीं ना कहीं आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे बहुत ढेर सारे मैंने कर्ज के बारे में बातचीत उनसे पूछी, लेकिन अब जैसे होता यह है कि किसान को कोई कल्टीवेटर या किसान को कोई ट्रैक्टर या इस तरह की कोई चीज़ें लेनी है, तो उसको जो उसमें ब्याज देना पड़ता है, वो जो एक अमीर आदमी बड़ी लग्जरी कार खरीदता है उसमें 4-6% लगता है, और किसान जब इस तरह की कोई चीज़ें लेता है तो 14-20% तक उसे, ये जो सारी चीज़ें हैं, लगता नहीं है कहीं लंबे समय से इस तरह की चूक लगातार होती जा रही? निश्चित ही रिजवान भाई, ये बात सही है कि किसानों के जो मुद्दे हैं वो आज एकदम से नहीं पैदा हुए, छेन छेन जो है समय के साथ में बढ़ते आए हैं,
पर आज जो मध्य प्रदेश के अंदर हम देखने को मिल रहा है कि बार बार सरकार कहती है, हमारे अभी हिदायतुल्लाह जी ने भी बोला कि हमने जल्दी कहिएगा, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, देखिए हमने उत्पाद बढ़ाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी, बिजली दे दी, खाद दे दिया, सब दे दिया, जबकि देखिए आबादी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, जंगल कटेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, रोजगार के और अन्य साधन कम होंगे, तो खेती भी बढ़ेगी, खेत सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा, और हर सरकार की जवाबदारी है, हर सरकार की जवाबदारी है इसको आगे बढ़ाने के लिए। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको उस पर आगे बढ़िए। निश्चित ही जो है किसान के पास में फसल की पैदा जो दिख रही है, सामने आ रही है, वो सबसे पहले सरकार ने यदि पिछली बार ये देखा था कि हमें मध्य प्रदेश, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया, उत्पाद अधिक होगा तो खरीदने का की व्यवस्था होनी चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं। मैं दुर्गेश शर्मा आपको रोकना चाहूंगा, संजय श्रीवास्तव जल्दी से संक्षिप्त में आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा सिर्फ ऋण पर। देखिए ऋण को लेकर तो आपने बहुत साफ कहा कि ऋण उसको लेकर एक स्थिति स्पष्ट हो जाना चाहिए, एक बार जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, यदि बहुत उसको सिस्टमाइज कर दिया जाएगा तो बहुत कुछ उसमें काबू होगा। दूसरी, मैं तो इसमें एक चीज मानता हूँ कि बिचौलिए खत्म कर दिए जाए, यदि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे तो किसान को उसकी उत्पादकता की लागत प्रॉपर मिलेगी, और वो ये बार बार जो इस तरीके कर्ज के जाल में फंसता है इससे बहुत मुक्त हो जाएगा। देखिए पंकज पाठक, कर्ज एक समस्या है और साथ में नकली पर, नकली खाद, नकली बीज, इस तरह की जो चीजें हैं, क्या लगता है इससे कभी निजात पा पाएगा किसान? सरकार अगर ब्याज मुक्ति कर सकती है जी और ऋण मुक्ति नहीं कर सकती जी, तो कम से कम जो नकली चीजें मिल रही हैं बाजार में जी, उससे तो किसान को मुक्त कर सकती है। बिल्कुल हिदायतुल्लाह जल्दी से अपनी बात कहिएगा, वक्त कम है, 3-4-5 मिनट में अपनी बात समेट दीजिए। बोली वो अपनी जगह है। रमाकांत जी इस बात को भी स्पष्ट कर देते कि हमारी सरकार आने के बाद कितनी जिनसे जिनको समर्थन मूल्य पे खरीदा जा रहा है और पहले कितनी समर्थन मूल्य पे खरीदी जा रही थी, उन चीजों की बात बता दे, खाद और वो सारी चीजें मैं अपनी बात बताई, नीचे तक हर छोटे किसान को भी अगर -10% है या 0% है उसका लाभ मिल रहा है, इनके पास कहां के कौन से आंकड़े उसको लेकर बातचीत करें, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई बात नहीं करें, आप किसानों के ऊपर राजनीति नहीं करें, आप आकर उनके लिए सही बात करें, उस सही बात को मान भाई बोल आप जी उनको बोल लेने दीजिए, नहीं नहीं ये तो सीख के आते हैं, तो सही है ना, उनको बोल लेने, मेरा 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 व्यक्तिगत मत है, अरे मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं मेरा व्यक्तिगत मत है, कुछ नहीं है, अरे मेरा व्यक्तिगत मत है कि राजनीति एक बहुत अच्छा शब्द है, नहीं, मुझे नहीं। लगता है इसको हम लोग क्यों अननेसेसरी बदनाम करते हैं, नहीं पर क्या तरीका है आप बताइए, आपने इतने इशारों पे बात करी, जो पूरा झूठ बोला है आपने, दुर्गेश जी हिदायत मेरे पास पूरा झूठ बोला है आपने, अभी मैंने सुना है आपका समय दादा, आप सुनिए ना, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप हिदायतुल्लाह मेरे पास बात की कमी, दुर्गेश शर्मा आप बीच में मत बोलिए प्लीज, हिदायतुल्लाह अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए, मेरे पास वो सारी चीजों पे भी बात होनी चाहिए, अगर रमाकांत जी इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो रमाकांत जी ये भी बता दीजिए कि इसके पहले कितना ऋण लग रहा था, अभी कितना ऋण लग रहा है, क्या उससे किसान को फायदा नहीं हो रहा, संयुक्त तो परिवार की बात कर रहे, तो ऐसा कौन सा नियम है हमारी सरकार ने कोई नियम बनाया है कि कोई एकल परिवार है तो उसको कर्ज नहीं दिया जा रहा है, हम वो आंकड़े भी अगर आप बोलेंगे तो आपके सामने रख देंगे, आप ऋण और कर्ज ये शब्दों के अंदर फंसने की बात कर रहे हैं, अधिकतम किसान हमारा मध्य प्रदेश का ऋण चुकाता है, जो भी उसका ऋण है कर्ज जो भी शब्द का इस्तेमाल कर ले वो कम किसान है तो वो जो चुका रहा है वो भी कारण भाई बोल लूं तो बोलिए ना आप गलत वाला जवाब दे बोले क्या गलत बोला इसके अंदर बताइए आप बोल रहे दुर्गेश शर्मा जी मेरी बुद्धि पर विवेक पर भी थोड़ा सा भरोसा रखिए बुद्धि और विवेक फिजूल में किसानों को उसका जवाब देना पड़ेगा मैंने आप सबको मौका दिया आप उन्हें भी बोले किसानों ने आंदोलन अरे किसानों ने आंदोलन करा ये रमाकांत जी और ये जो भी लोग किसानों ने और एक इनका नेता आकर छत के ऊपर बैठकर झंडा लेके से जा रहा था जैसे देश आजाद कराने जा रहा हूँ और बाद में कहा गायब हो गया अरे मुख्यमंत्री की लड़ाई है आपका आप क्या नेतृत्व की लड़ाई है आप मत करिए बातचीत आप बोलिए मत मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ आप बोलिए मत न्यायिक व्यवस्था बात करते हैं राजा महाराजों ने कभी कोई काम नहीं करा राजा महाराजों ने कभी काम नहीं करा इसलिए देश है यदि हिदायतुल्लाह अपनी बात जल्दी से कहिए आप बता दीजिए आपके समय कितना देखना चाहते हैं नहीं आप कक्का जी के साथ क्यों देखना चाहते हैं रमाकांत ने अपनी बात दुर्गेश शर्मा कहने दीजिए उन्हें जल्दी से मेरे पास वक्त नहीं है नहीं देखिए मैं तो कोई भी विषय लूंगा ये उसके बीच में बोलेंगे बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए अपनी बात तो बिल्कुल बोलूंगा
क्या बोला इसके अंदर, कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या है, हम किसानों को -10% पे नहीं दे रहे हैं? बात कर रहे फिर भी किसान आप अपना पक्ष रखिए, छोड़ दीजिए दुर्गेश शर्मा, आप बोलने का इनको रुकिए, आप अपनी बात करिए, अपनी बात कीजिए, दुर्गेश शर्मा को छोड़ दीजिए जल्दी जी। हम नीचे, हमने, हमारी सरकार ने कोई ऐसा नियम नहीं बना कि हम किसी एकल परिवार को नहीं दे रहे हैं। आप कह चुके हैं इस बात को, सारी चीजें हो रही है, वो नीचे तक काम कर रहे हैं। क्या रमाकांत जी इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि हमने सिंचाई के साधन बढ़ाए? क्या इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने सरलता लेके आए चीजों के अंदर, सोसाइटी में खाद हो, बिजली हो, पानी, इन सब चीजों को दिया है? आज भी अगर सारी चीजों की बात करते हैं, उसके एक जमाने में जब ये हुआ करती थी फसल बीमा योजना, इसके अंदर प्राकृतिक आपदाएं नहीं हुआ करती थी, आज प्राकृतिक आपदाएं भी उसके अंदर शामिल है। अब हम हर किसान के ऊपर जो फसल वो लगा रहा है, अब उसकी भी जानकारी के लिए हमने एप बनाया। अगर जो आज समस्या आ रही है उस पर निरंतर काम कर रहे हैं, हम किसानों के बल पे हैं, हम मजदूरों के बल पे और गरीबों के बल पे हम मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। लेकिन आत्महत्या रुक जाए, मैंने बोला है यहाँ पर एक और बात, हर आत्महत्या के कारण तय होना चाहिए। साहूकारों के खिलाफ कुछ कर पाएंगे? साहूकारों के खिलाफ ऐसा कोई प्रकरण बता दीजिए पूरे मध्य प्रदेश में कि किसी किसान ने किसी साहूकार के खिलाफ कहीं पर रिपोर्ट करी हो और साहूकार के ऊपर केस नहीं लगा हो, उसके मंडल महामंत्री तक के खिलाफ शिकायत की गई है। पैसा किसानों ने नहीं दे पाए। चलिए संजय श्रीवास्तव आप हमारे साथ जुड़े, हिदायतुल्लाह हमारे साथ जुड़े, पंकज पाठक आप हमारे साथ जुड़े, दुर्गेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या यही है कि किसान दिन पर दिन निराश होता जा रहा है। आत्महत्या के कारण कुछ भी हो सकते हैं, सरकार के अपने आंकड़े हैं, एनसीईआरबी के अपनी रिपोर्टें हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने अंदाज हैं उसको स्वीकारने या अस्वीकारने के, लेकिन इन सब के बीच जान तो किसान की जा रही है। जान ही नहीं, उसका परिवार भी संकट में है, उसका रोजगार भी संकट में है, उसकी ज़मीन भी संकट में है, और जाहिर सी बात है हर तरफ खेती में अगर संकट ही संकट नज़र आएगा तो देश के लिए भी अच्छा नहीं है। सबको मिलजुल कर एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए। और उन बच्चों की सिसकियाँ मुझे भी बहुत द्रवित करती हैं, मुझे भी बहुत तकलीफ देती हैं, आप सबको भी देती होंगी, हर भारतीय को देती हैं। तो हम अपील करेंगे उन किसानों से, लड़िए, डटकर लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। ऐसे संकट के समय में पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। हो सकता है कोई कम खड़ा हो, कोई ज़्यादा हो, कोई वक्त कम दे, कोई ज़्यादा दे, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। निराश मत होइए, रुकिए, ठहरिए, ज़िंदगी जीने के लिए है और आपकी ज़िंदगी आपके अपनों के लिए है, इस देश के लिए भी है, तो रुक जाइए। और हम तो यही कहेंगे कि जय किसान, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि खेती लाभ का धंधा होगा, इस उम्मीद पर हम हैं। और जाहिर सी बात है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जैसे आपकी बेटी है वैसे मैं भी आपकी बेटी।